तो आप लोगों का क्वेश्चन था तो जो व्हाट्सअप होगा जियो फ़ोन में आपके कई सारे प्रॉब्लम आ रहा है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है। तो मैंने अपने फ़ोन में ये प्रॉब्लम फिक्स कर लिए और मेरे फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर जो अपडेट हो गया और जियो फ़ोन में जो ये व्हाट्सअप आ गया, मैं इसको करता हूँ एग्री और आगे बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे व्हाट्सअप जो है आपको चलाना है। तो सबसे पहले जब आप एग्री कर लेंगे उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जो है मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा अपना, जो भी मोबाइल नंबर है आप जिससे भी व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर डाल लीजिए। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसके बाद आगे जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको बता दूँ। जब आप अपना नंबर, जब तक मैं अपना मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करता हूँ तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनमें लाल कलर का एक सब्सक्राइब रंग का आ रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको काला बना लीजिए, साथ में एक घंटी आ रहा होगा उस पर भी क्लिक कर दीजिए। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ध्यान रखिएगा लाल वाला बटन काला कर देना है। चलिए बताते हैं आपको, डाल लेंगे तो यहाँ पर एक OTP आएगा और OTP से जो है कोड वेरीफाई हो जाएगा और व्हाट्सएप जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद जो है जैसे इनिशियलाइज हो रहा है मेरा अभी जो है व्हाट्सएप, और जैसे इनिशियलाइज होता है उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, और जैसे भी ये प्रोसेस होता है आगे, तो अभी ये थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए जो है मैंने बनाया है इसको। इसके बाद ये बोलेगा कि आप अपना नाम डालिए, तो चलिए मैं नाम डाल लेता हूँ इसमें अपना ओजोटेक। तो मैंने अपना जो है नाम जो है डाल लिया है। आप यहाँ पर जो है पूरा जैसे ही नाम डालेंगे एक पेज ऐसा खुल जाएगा, जब ये पेज खुल जाता है आपका तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर न्यू चैट का ऑप्शन आ रहा है और साथ में ऑप्शंस का ऑप्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में जो है आप अपना जो है जाके प्रोफाइल देख सकते हैं, जैसा कि एंड्रॉयड फ़ोन में प्रोफाइल देखते हैं, और अकाउंट देख सकते हैं और हेल्प यहाँ पर दे रखा है। तो ये तीन ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ठीक है। आप जो है अगर न्यू चैट पर जाना चाहते हैं तो आप जो है क्या करना पड़ेगा, आपको नया चैट जो है स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर न्यू चैट पर जाइए और देखिए जो है यहाँ पर अभी भी जो है नया ग्रुप नहीं बनाना। तो ये जो देखिए मेरा जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं इनको मैसेज करता हूँ, ठीक है, कुछ भी मैसेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैसेज जो है चला गया है। फिर दोबारा से मैंने एक मैसेज किया और जैसे ही रिप्लाई आता है, चलिए उसके आगे का मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। तो है देखिए, अगर आप देखते हैं तो इतनी सारी मैंने चैट कर ली है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कुछ चैट जो आपको दिखाता हूँ, ये व्हाट्सएप के ज़रिए की है। और ये मेरा जो नंबर आप देख रहे हैं, आप चुराइएगा नहीं, यह मेरा ही नंबर है, व्हाट्सएप का नंबर है। और आप जो है अगर यूट्यूब पर कमेंट करेंगे तब मैं रिप्लाई करूँगा, अगर व्हाट्सएप पर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका रिप्लाई मैं जल्दी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आप जो है इसी नंबर पे, आप मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर बेटर रहेगा कि आप जो यूट्यूब के नीचे कमेंट लिखिए अगर आपका व्हाट्सएप नहीं चल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है अगर जियो फ़ोन में आपका व्हाट्सएप जो है सही से नहीं चल रहा है। तो चलिए ये तो था, ठीक है। अब जो मैसेज आया, आप जो है यहाँ से मैसेज पर क्लिक करेंगे और कोई भी नया मैसेज आप जो है भेज दीजिए, तो मैंने ये भेज दिया वहाँ पर। जैसे ही वहाँ पर जाएगा, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन में होता है वैसे ही सेम प्रोसेस इसमें भी दिख रहा है कि जो है यहाँ पर जब अगर आपका रीड हो जाएगा तो ये ब्लू स्टिक आ जाएगा दो बार, और डिलीवर हो जाएगा तो ब्लैक कलर का होगा। ऑप्शन में जो है अगर आप किसी को चाहते हैं व्यू कॉन्टैक्ट, इनका कॉन्टैक्ट देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो व्यू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट मैंने देख लिया। इसके अलावा जो है यहाँ पे म्यूट नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर वेरीफाई सिक्योरिटी कोड, अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं किसी को तो ब्लॉक भी कर सकते हैं, रिपोर्ट स्पैम कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन में मज़ा था वैसे ही है। साथ में आप जो है इसमें चाहें तो वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, तो यहाँ पर आपको होल्ड वॉइस टू रिकॉर्ड ऐसा कुछ आएगा, तो चलिए मैं इसको एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, ठीक है, वॉइस मैसेज एक मिनट, हाँ ठीक है। इसको आपको वॉइस मैसेज के लिए क्या करना पड़ेगा, जो है यहाँ पर ये वाला जो बीच वाला बटन है इसको दबा कर रखना है और जो बोलना है वो रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंड हो जाएगा और उसके पास एक वॉइस मैसेज चला जाएगा, ठीक है, वॉइस मैसेज उसके पास डिलीवर हो गया। दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला जो बटन है बीच वाला, इस पर क्लिक करके आप जो है वॉइस मैसेज भेजना है और इसको होल्ड रखना है जब तक आप बोलेंगे तब तक। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और देखते रहिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले ओजोटेक पर। तो ये मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जैसे ही आप इसको छोड़ देंगे ये रिलीज होना, मैंने ये रिलीज़ हो जाएगा, आपकी रिकॉर्डिंग जो भी है उतने ही पे पास हो जाएगी, आप चाहे जितने मिनट की रिकॉर्ड कर सकते हैं,
10 मिनट 15 मिनट जितना चाहें आप जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो चलिए रिकॉर्ड हो गया है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है शायद, चलिए इसको कैंसिल करते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इसको सीधा सा सेंड कर देते हैं वॉइस मैसेज, तो ये वॉइस मैसेज चला गया है। आप चाहे टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, और यहाँ पे मोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप पिक्चर्स को भेज सकते हैं, अगर पिक्चर्स कैमरा से शूट कर सकते हैं शायद में, अगर गैलरी में है तो गैलरी से भेज सकते हैं, वीडियोज़ भी भेज सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये सब कुछ जैसे है एंड्रॉयड, लेकिन अभी जो है वीडियो कॉल का ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। वीडियो कॉल का ऑप्शन अगर मैं बैक भी करता हूँ तो कहीं पर भी वीडियो कॉल का, यहाँ पर सिर्फ न्यू चैट का ऑप्शन दिख रहा है। न्यू नया ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ से आप जो है ग्रुप का नाम लिख सकते हैं और कैंसिल कर दीजिए, चलिए मैं नहीं बना रहा। और ऑप्शन में जाकर जैसे जो भी चैट है इसको म्यूट कर सकते हैं, इसका कॉन्टेक्ट इसको डिलीट कर सकते हैं। सेटिंग में चलिए बताता हूँ ये सेटिंग में क्या क्या है। सेटिंग में जो है प्रोफाइल अकाउंट ये था मैंने बता ही दिया था। तो इतना सा खास खास था जो वीडियो था, जो आप लोग कह रहे थे कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था कि जियो फ़ोन में व्हाट्सएप नहीं चल रहा, व्हाट्सएप नहीं चल रहा। तो चलिए ये मतलब प्रॉब्लम क्या था, जो प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि आप जो है सेटिंग में जाइए सबसे पहले, जो है जो मोबाइल की सेटिंग्स है, ठीक है, सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है और वहाँ पर जो है आपको सेलेक्ट करना होगा सबसे बाद, अगर जिनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है, डिवाइस में जाइए और सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट में देखेंगे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ऑलरेडी अगर अपडेट हो गया है तो ठीक है, नहीं तो चेकिंग फॉर अपडेट दिखाएगा। और जो है अपडेट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 दिन का कम से कम इंतज़ार कीजिए और आपके फ़ोन में भी, जियो फ़ोन में भी आपका व्हाट्सएप जो है चलने लगेगा। तो मेरा तो ऑलरेडी अपडेट है और व्हाट्सएप भी चल रहा है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में अगर जाते हैं तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 है। कुछ लोग कह रहे थे कि सॉफ्टवेयर वर्जन जो 2.0 है उसमें नहीं चलेगा, 2.5 है, तो मेरा देखिए 2.0 है और इसमें भी व्हाट्सएप चल रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, किसी फ़ोन में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आ रहा है ये तो मैं आपको बता दूंगा दोबारा से जो एक नया वीडियो बना के। तो ये तो था थोड़ा सा मेरा जो वीडियो था जो आपके व्हाट्सएप के लिए, और आपको कैसा वीडियो लगा, और ये भी बताइएगा किन किन लोगों का व्हाट्सएप जो है इंस्टॉल हो चुका है और किन किन लोगों में अभी भी नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये जो है आप जो कमेंट में नीचे लिखिएगा और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाइयों, और साथ में जो है शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को। यहाँ पर व्हाट्सएप जो है जियो फ़ोन में जो है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, अब आप लोगों को कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो होगा एकदम नया फर्स्ट क्लास होगा। यहाँ पे मैसेज पूरे देख सकते हैं आप नीचे तक के जितने भी। तो इस तरह से जो है जियो फ़ोन में जो है अब आपका जो है व्हाट्सएप बिल्कुल चल चुका है, यानी कि व्हाट्सएप जो है आपका चल चुका है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।